वेलकम टू एमिक रिजर्व का मेरा नाम है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में दो टीवी को कंपेयर करने जा रही हूँ। वन इज TCL, अनदर वन इज MI। तो दोनों को कंपैरिजन करूंगी, अंत में आपको बताऊंगी कौन सा टीवी आपको लेना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, उससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। फिर वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन है, उसको भी प्लीज प्रेस करें, ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाए। TCL का मॉडल नंबर है 65P8E, और जिसका मॉडल नेम है P8E सीरीज। MI का मॉडल नंबर है L65M5 5SIN, और जिसका मॉडल नेम है 4X। तो दोस्तों, दोनों ही टीवी की मैन्युफैक्चर ईयर की बात करेंगे तो TCL का जो टीवी है वो 2019 में लॉन्च हुआ था, और MI का जो टीवी है रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2020 में। दोनों ही टीवी जो है वो 65 इंच के है, लेकिन TCL का जो टीवी है वो थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू MI। मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी दोनों की 16GB की है, और रैम 2GB का है, और यहाँ पे दोनों का ही ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। तो यहाँ पे अगर हम रिस्पांस टाइम की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे TCL का जो रिस्पांस टाइम है वो 8 मिलीसेकंड्स का है, जबकि MI का जो रिस्पांस टाइम है वो 9 मिलीसेकंड्स का है। बात करते हैं दोस्तों रेजोल्यूशन की, तो दोनों ही यहाँ पे 4K टीवी है, तो दोनों का ही रेजोल्यूशन यहाँ पे सेम है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टीवी के स्पेशल फीचर्स की, तो यहाँ पे TCL में आपको मिल जाता है एंड्रॉइड 9.0, गूगल असिस्टेंट, गूगल कास्ट प्लस और ब्लूटूथ जैसे ऑप्शंस आपको TCL में मिलते हैं। MI में आपको मिलते हैं एंड्रॉइड 9.0, वॉइस सर्च, गूगल प्ले, क्रोमकास्ट अल्ट्रा और गूगल अल्ट्रा सेवर अप टू 3 टाइम्स। दोस्तों बात करते हैं हम रिमोट कंट्रोल की, तो यहाँ पे TCL का जो रिमोट है वो नेविगेशन की के साथ आता है, जबकि MI का जो रिमोट है वो वॉइस कंट्रोल के साथ आता है। तो यहाँ पे MI का जो रिमोट है ज्यादा अट्रैक्टिव है, और ज्यादा इजी भी है यूज करने के लिए। TCS में आपको मिल जाता है LED डिस्प्ले विद IPS पैनल, जबकि MI में आपको मिलता है LED डिस्प्ले विद A+ पैनल। यहाँ पे MI का जो पैनल है वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे दोस्तों दोनों का ही स्पीकर है वो 20W का है, और रिफ्रेश रेट है वो 60Hz की है। अब बढ़ते दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि है प्राइसिंग। तो यहाँ पे TCL का आपको प्राइसिंग मिल जाता है 56,000, जबकि आपको MI में मिल जाता है 55,000 की प्राइसिंग। तो अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन की तरफ। यहाँ पे दोनों ही टीवी के जो पैरामीटर्स है वो लगभग सेम है, लेकिन MI का जो टीवी दोस्तों ज्यादा रिलायबल है। MI जो है दोस्तों बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है, इसलिए MI जो है वो ज्यादा विश्वसनीय ब्रांड है। टीवी के जो बेस्ट बाइंग लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और भारी डिस्काउंट में इन्हें खरीद सकते हैं। और मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए अमेजोन पे स्टोर भी बनाया, जहाँ पे आपको अच्छी चीजें बजट वाले दामों में मिलती है, यानी कि अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आपको इसमें मिलते हैं। इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो दोस्तों सभी चीजों का जो लिंक है वो देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए खास करके अमेजोन स्टोर मैंने आप लोगों के लिए बनाया, उसे जरूर चेकआउट करें। उसमें सारे अप्लायंसेस इवन ग्रोसरीज आपको उसमें मिल जाएंगी। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि सारी नोटिफिकेशंस मेरे वीडियो की आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।